हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज ईशान। सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिव्यू गिलगित बल्तिस्तान वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर। और ये बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट का एक लोकल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें के पूरे जो भी जीबी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ का जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको ये लोग मैनेज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और घर घर गली गली से जाके वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। और फिर यहाँ का जो सेंट्रल इनका जिसको ये लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र स्टेशन, वहाँ पे सारे के सारे वेस्ट को लाया जाता है और फिर वहाँ से बड़ी गाड़ी में डाल के इसको डंपिंग साइट पे लेके जाया जाता है। तो ये हमारे साथ वेस्ट मैनेजमेंट के एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई हैं, जो कि हमें यहाँ के बारे में थोड़ा सा एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। और फिर हम लोग अंदर भी आपको लेके जाएंगे और जैसे जो भी इन लोगों का काम करने का प्रोसेस है उससे आप लोगों को सारा का सारा दिखाएंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस मिस्टर इमरान हुसैन, एंड ही इज़ गोइंग टू टेल अस मोर अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर। सो आप लोग एक दिन में कितना वेस्ट उठाते हैं, किस किस जगह पे आप लोगों के सारी गाड़ियां जाती हैं, क्या है इसका सारा सिलसिला? अच्छा, हम एक दिन में जो है वो तकरीबन 82 से 90 टन तक वेस्ट उठाते हैं। ठीक हो गया। और हमारा जो है वो घर टू घर कलेक्शन है। ठीक है, होम टू होम। तो इस तरह जो है हमारे दो ट्रांसफ़र स्टेशन है, एक सिटी में है और एक जुटियाल में है। ठीक हो गया। इसका ये फ़ायदा है कि जो सिटी में है वो वहाँ का जो पोल कंजम्पशन है वो कम होगा। ठीक हो गया। जो जुटियाल एरिया है यादगार से लेकर शहर को हमने तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक हो गया। एक सेक्टर ए है जो बसिन से लेके इधर यादगार चौक तक है, सेक्टर बी है वो कुणदा से, और सेक्टर सी जो है वो यादगार से लेके इधर बाबे गिलगित तक, तीन सेक्टर हैं। और हमारे टोटल 16 वार्ड हैं। ठीक हो गया। 35 मिनी ट्रिपल्स हैं और 5-6 डंपर्स हैं और 5-6 ट्रैक्टर। तो इमरान भाई ये बताएं, इसमें तो गिलगित के और भी एरियाज हैं, स्कर्दू भी है, स्तोर भी है, चिलास और ध्यामर वाला भी सारा एरिया है, वो भी डिस्टेंस है, उधर भी आप लोगों की गाड़ियाँ होती हैं क्योंकि वो तो आप लोगों से काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो जी, उधर अलग यूनिट्स हमारे बने हुए हैं। ठीक है। 2016 में जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का काम अमल में लाया गया गिलगित में, उसके बाद जो है वो सिकरदू में, उसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट में 2019 में जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की यूनिट्स बनी हैं। तो उधर के डिस्ट्रिक्ट में जो है वो उनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उधर को सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा भी टूरिस्ट डिस्टिनेशंस जहाँ जहाँ तक है वहाँ तक एक शेड्यूल करके अवेयरनेस प्रोग्राम और डिफरेंट सेशंस हम रखते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसी जगहों पर भी हम जाते हैं जहाँ हमारी गाड़ी नहीं जाती है, लेकिन हमारे ऑपरेटर और वो जाके जो है वो कलेक्ट करके नीचे जहाँ तक। तो यानी कि सारे के सारे जितने भी गिलगित के डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में आपकी कवरेज मौजूद है? सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, लेकिन तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका भी PC1 क्लियर हो चुका है, उसमें सिकरदू साइड में शिगर, खरमंग और मेरा ख्याल है घंचे, उसमें तीन डिस्ट्रिक्ट्स अभी इस साल बनेंगे इंशाल्लाह। चले यार, ये तो हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन, सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट देयर ऑल द ऑफिशियल प्रोसेसेस एंड कैसे ये लोग सारे के सारे वेस्ट को मैनेज करते हैं। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है इसमें, आप लोग ये वेस्ट को रिसाइकल वगैरह करते हो या खाली डंप कर रहे हो फिलहाल? मसलन के जो रिसाइकलेबल मटेरियल होता है, कागज़, लोहा, प्लास्टिक, किस तरह की चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती हैं, उसको भी आप लोग सेम डंपिंग साइट पर डंप कर रहे हो फिलहाल, या रिसाइकल का कोई है इधर चक्कर? नहीं, रिसाइकल का प्राइमरी कलेक्शन है वो जो यूजेबल आइटम्स हैं वो जो हमने उसको एक कंट्रेक्टर है वो हमसे उठाता है। ठीक हो गया। तो आप उसको सेल करते हो? उसको सेल करते हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं वो उनमें लैंडफिल मैकेनिज्म के तहत उनको ना डिस्पोज अप करते हैं। फिलहाल लैंडफिल मैकेनिज्म है, बाकी उस पर काम हो रहा है। इसमें ट्रैश जब कलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें से फिर आप लोग प्लास्टिक वगैरह खुद अलग करते हो? बिकॉज लोग तो सारा का सारा एक ही उसमें डालते हैं, थैले में, बड़े बैग में या जो भी। उसका कंट्रेक्टर जो है ना उसका अलग स्टाफ है। अच्छा। वो ट्रांसफर स्टेशन से भी कलेक्ट करता है यूजेबल आइटम्स, और डंपिंग साइट पे भी उसके एम्प्लॉयज हैं, वहाँ जाके जो है वो कलेक्ट करते हैं। चले यार, ये तो हो गया हम लोग का एक बेसिक इसका ओवरव्यू, सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट मोर। Everyone, here I am in the office of GPWMC with my dear friend who's manager here. His name is Mr. Zuhaib. So ये हम लोग को थोड़ा सा explain करेंगे GPWMC का process और ये लोग कैसे सारे के सारे trash और waste को handle करते हैं. So over to you, Mr. Zuhaib. थोड़ा सा please अपने बारे में introduce करें. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zuhaib Ayub and I'm working as a manager Gilgit Baltistan Waste Management Company. My basic qualification is environmental science, bachelor in environmental science. Since 2016 I am working as a manager in Gilgit Baltistan Waste Management Company.
गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक मॉडर्न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा गया कि हम अपने जीबी को जो है उसकी जो खूबसूरती है उसको हम उसकी खूबसूरती को मेंटेन कर सकें और इन्वायरमेंटल जो इश्यूज आने उसको मिनिमाइज कर सकें। इसीलिए 2016 के अंदर एज अ पायलट प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर नई न्यू ह्यूमन रिसोर्स न्यू व्हीकल्स जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई गिलगित के अंदर एक नए मॉडल के साथ, और उसकी कामयाबी के साथ साथ सिकारदू और उसके साथ इसके 10 यूनिट्स मुख्तलिफ जो है इस्टेब्लिश किए गए, जो कि चिलास में आपको जिगलोट में अस्तोर में गिलगित दनियोर नगर हुंजा सुस्त गाकूच इस वक्त सारे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक न्यू प्लान और न्यू व्हीकल्स और एचआर के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इस वक्त हमने ह्यूमन रिसोर्सेज वक्त कितने इसमें एंगेज हैं, तो वो 502 एम्प्लॉइज़ हैं जो मैनेजर से लेके सैनिटरी वर्कर तक 502 इसमें एंगेज हैं, ये काम कर रहे हैं। 216 नई गाड़ियां जो हैं वो परचेस की गई हैं जो इस एक्टिविटी में एंगेज हैं। ये छोटी वाली गाड़ियों की बात करें, मिनी ट्रिपर्स की बात करें, उसमें डंपर्स भी हैं, बाइक्स भी हैं, जो एक ओवरऑल जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। 216 अगर हम बात करें तो इस वक्त वेस्ट जनरेशन जो है इस वक्त पूरे जीबी के अंदर जो ऑपरेशनल एरिया जो अर्बन एरिया है उसमें तकरीबन अबव 200 टन पर डे इस वक्त वेस्ट जनरेट हो रहा है, पर डे 200 टन जनरेट हो रहा है, और अप्रॉक्सीमेटली 193-194 टन तक हम हमारे पास कैपेसिटी है हम डेली वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं जी भी है। इसमें सबसे बेस्ट जो हुआ है इस वक्त जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपना ऑनर समझती है कि इस वक्त अर्बन एरिया जो हम इस वक्त अपना सी पैक रूट जो है इसके अंदर जो है हम सॉलिड वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो है जीबी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वेस्ट मैनेजमेंट की जो सर्विसेज हैं वो टूरिस्ट स्पॉट्स जो भी वेस्ट उसमें टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ तक एक्सटेंड की जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बबूसर टॉप खुंजरा देवसाई ब्रामा और आप खलती लेक यहाँ तक अपनी गुप्पीज चटोरखा जितने भी मेन टूरिस्ट स्पॉट्स थे वहाँ पे हमने अपनी सर्विस नलतर सर्विसेज एक्सटेंड किया। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली मुख्तलिफ यूनिट्स के मुख्तलिफ आते हैं, एवरेज में हम चले जाते हैं तो 4000 रुपीज़ पर टन जो है। तो इसमें अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, जैसे हम रिसाइकिलिंग की बात करें, तो पहले सॉलिड वेस्ट के अंदर तीन बड़े जो होते हैं शोबे हैं आपके कलेक्शन आपका ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल। पहले फेस में आपको कलेक्शन पे काम करना पड़ता है, कलेक्शन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे चैलेंजिंग होता है क्योंकि कलेक्शन के लिए आपको एक मॉडर्न मशीनरी चाहिए होती है, कलेक्शन के लिए आपको ट्रेंड एचआर चाहिए होता है, कलेक्शन के लिए आपको एक मॉडर्न जो आपका प्लान होना वो एग्जीक्यूशन होती है, पब्लिक उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको देख के इन सबको अगर आप इसको एक लाइन पर रखें तो आपकी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी ये है कि पर डे जनरेशन कितना हो रहा है और पर डे आप कलेक्ट कितने करने इसको आपको इन्हेंस करना पड़ता है। तो फर्स्ट फेज में हमने इसकी इन्हेंसमेंट पे काम किया। अभी आप लोगों की कितनी एफिशिएंसी है? 80% पहले जो था वो तकरीबन 40 टन अगर जनरेशन था 2016 में सिर्फ गिलगित की बात करना तो 8 टन उठाने की टोटल कैपेसिटी थी, मतलब लेस देन 25% कम। सबसे पहले हमने कोशिश की कि हम अपनी एफिशिएंसी को इन्हेंस करें और 80% से अबव चले जाएं, तो वो एफिशिएंसी हमने इन्हेंस की होना चाहिए। तो डिस्पोजल साइड पे हमने रिसेंटली जो है जीबी लेवल पे नीचे लाहौर से रिसाइकलिंग कंपनीज जो है इसको बिट करवाया प्रॉपर, उसमें उसने बिट में हिस्सा लिया और वो विन कर चुकी है, जिसके अंदर प्रॉपर रिसाइकलिंग जो मैकेनिज्म हो गया यहाँ पे अडॉप्टेड हो गया, जिससे कंपनी जो है रेवेन्यू भी जनरेट करेगी और हमारा प्लास्टिक मटेरियल जो जितना हमारे लैंडफिल साइट्स पे जा रहा है वो मिनिमाइज से मिनिमाइज। साहब थोड़ा सा अगर आप हमें दिखाएं, अगर आपकी गाड़ियाँ वगैरह का थोड़ा प्रोसेस अगर दिखा दें आप अपना। जी इंशाल्लाह आप जो हमारे पास इस वक्त ऑपरेशन हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं और जिस हम ट्रांसफर स्टेशन हमने बनाया हुआ है जिससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, फिर जो हैवी गाड़ियाँ जो डंपिंग साइट की तरफ जा रही हैं वो मैकेनिज्म इधर है आपके भी कार्ड? जी 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 उसके अंदर इंशाल्लाह चले। कितने घरों में जाते हैं आप एक दिन में भाई? एक दिन में भाई उनके पास लेके जाओ। घरों का तो खैर हम नहीं बता सकते हैं, हम ट्रिप लगाते हैं, कभी किसी दिन 5 भी लगाते हैं, किसी दिन 6 भी लगाते हैं, 5-6 ट्रिप हमारे होते हैं रोजाना। एक ट्रिप में कितना मतलब आप एक ट्रिप कितना लंबा होता है आपका? एक ट्रिप में तकरीबन हमारा कोई होते हैं यानी तो जगह बनाओ उनके लिए गाड़ी के सामने आ जाए। अच्छा कितने होते हैं एक ट्रिप? कितने घंटे का होता है एक ट्रिप? हमारी 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं तकरीबन एक ट्रिप क्लोज करने तक हमारे। अच्छा, अच्छा, जी अच्छा। फिर ये सारे कहाँ लेके जाते हैं आप? ये सारा हमारा ये बड़ी गाड़ी होती है, ट्रांसफर स्टेशन लगा हुआ है हमारा पीछे। अच्छा। वो लारी अड्डे में उसमें अनलोड करते हैं हम।
वो फिर वो पीछे शिमला डाल जाए। तो गाइस अभी हम लोग जीबीडब्ल्यूएमसी का जो ट्रांसफर, ये ट्रांसफर स्टेशन है, ट्रांसफर स्टेशन है, इसको ट्रांसफर स्टेशन बोलते हैं। यहाँ पे सारा का सारा ट्रैश जो है वो लाया जाता है छोटी छोटी गाड़ियों से, और यहाँ पे ये जो बड़ी वाली गाड़ी है इसमें ट्रैश को गाड़ियों को फिलअप करके फिर आगे डंपिंग साइट्स वगैरह में लेके जाया जाता है। तो इस तरफ भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, ये भाई बताएंगे। भाई जान ये यहाँ पे क्या हो रहा है यार? यहाँ पे हमारी ये डंपर है, वो नीचे साइड पे खड़ी करती है। अच्छा, छोटी व्हीकल्स लाके वेस्ट उसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटा व्हीकल वो यहाँ पे आता है? जी जी, यहाँ पे नीचे बड़ा ट्रक नीचे लगा हुआ है। अच्छा, छोटी गाड़ी अभी ट्रांसफर कर रही है। दिखाओ यार, ये दिखाएंगे, वो गाड़ी आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, और यहाँ जो है वो रिसाइकल, हम उधर नहीं जाते, वेस्ट जो है वो ये गिरेगा तो नहीं? नहीं ये नहीं गिरेगा। अच्छा अच्छा, तो ये गाइस देखें आप, बड़ी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, और ये जो छोटे लड़के हैं ये प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह अलग कर रहे हैं इसमें से ढूंढ के। ये प्लास्टिक निकाल रहा है ना बच्चा? ये बच्चे वैल्यूएबल मटेरियल, वैल्यूएबल मटेरियल जो यहाँ पे अलग किया जा रहा है गाइस। यहाँ पे हर तरह का ट्रैश है यहाँ पे, हर तरह, जूते, कपड़े, प्लास्टिक की बोतलें, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे। अभी आप देखिए ये मशीन जो है, ये मैकेनाइज्ड ये गाड़ी है, ये इसको उठा के हम स्विमिंग के पीछे से उल्टा देगी। पूरा एक सिस्टम है यहाँ पे। तो ये भी आप देख सकते हैं सारा का सारा ट्रैश जो है पीछे बड़ी वाली गाड़ी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये आपको हाइड्रोलिक्स नज़र आ रहे होंगे गाड़ी के। इस सख्त गर्मी में ये लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी तारीफ के काबिल ये बात है। और डंपस्टर की आप शेप देखो ना, वो ऐसे है कि वो इजीली जो है ना नीचे गिरता है सारा कुछ। और आगे आपको बाकी भी इनकी गाड़ियां दिखाते हैं। तो आ जाएं अच्छा, ये जो बाकी इस तरफ जो गाड़ियां हैं इनका क्या सीन है? ये जो है ना, ये पानी कहीं जरूरत हो, मिसाल के तौर पर कोई मैच है, शो पोलो का मैच होना, अच्छा, तो इसमें जो है वो स्प्रिंकलिंग करते हैं। रोड में, रोड को साफ करना हो, अच्छा, रोड में मट्टी शट्टी हो तो उसको, रोड को कभी कभार धोना भी पड़ता है। ठीक, इस सिलसिले के लिए ये, तो ये भाई जो आपने माइक उठाया हुआ है, ये हेडफोन अपना माइक्रोफोन उठाया हुआ है, इस हेडसेट, इसका क्या सीन है? आपकी कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए? जी, ये हमें कंट्रोल नंबर पे कंट्रोल कॉल करना पड़ता है। अच्छा, फिर वो हम जब हम कहीं पे बीट पे विजिट पे जा रहे हैं, या कोई ऑफिसर, कोई अचानक कोई विजिट पे कोई ऑफिसर आ रहा है या कोई बात है, तो हमें कॉल देते हैं कंट्रोल रूम से। ये इसके जरिए हमारा क्विक रिस्पांस के लिए है। बाज़ोकात का भी मुहर्रम में ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो ब्लॉक करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ना, तो ये उस वक्त हमें ये सेट काम आता है। जो प्रोसेशन रूट्स हैं वहाँ डस्टबिन लगे होते हैं, वो सिक्योरिटी थ्रेट होता है, जो इस वजह से वो जो रूट डस्टबिन में कोई बंदा जो कोई तकरीबकारी ना करे, कोई चीज ना छुपाए या वैसे भी उस पे वो केमिकल रिएक्शन से आग छाक लगने का खतरा होता है, इस वजह से जो भी रूट है उसको मतलब हम सारे डस्टबिन उधर से हटा देते हैं। अब कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो तो ये काम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये सेट के जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी हमारे मसाइल हों वो इसके जरिए हल होते हैं। और दूसरा जो है वो कास्ट भी, मतलब हर बंदे को फोन करना या हर बंदे के पास सेट होता है, ठीक है, कंट्रोल रूम में कंप्लेन आती है तो उधर से फिर जो पैगाम जाता है वो सारे फील्ड सुपरवाइजर जो भी हैं उनको हम इजीली कन्वे कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में ये सही होगा। आपको ये मैसेज ऐड करना चाहेंगे इमरान साहब? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि लोग जो हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ ताउन करें, अपना घर का वेस्ट जो है वो बाहर गलियों में ना फेंकें, अपने घर के अंदर पैक रखें, हमारी मिनी ट्रिपर्स का वेट करें, ठीक है, एक दिन दो दिन लगते हैं कोई मसला नहीं, घर में पैक करके रखें, बाहर गलियों में ना फेंकें।
तो वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी का इंतज़ार करें। ठीक हो गया। सो गाइज, ये तो था मेरा आज का वीलॉग। आप लोगों को मैंने पूरी कोशिश की कि दिखाऊं मैं गिलगित बल्तिस्तान का जो वेस्ट मैनेजमेंट पूरा प्रोसेस है। मैंने आपको यहाँ के एम्प्लॉज से भी मिलवाया, उनका भी इंटरव्यू दिया। सो आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आई रियली होप ये आप देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ हैं। आपको वहाँ पीछे ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं ऊपर की तरफ, और मतलब बहुत प्यारी वैली है ये। इस कंट्री का एसेट है और इसको साफ रखना चाहिए ताकि यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो आते रहें, आप इस जगह की लोकल आवाम के लिए रेवेन्यू जनरेट होता रहे। बिकॉज टूरिज़्म यहाँ का जो इकॉनमी है उसकी बेसिक जो है वो रूट है यहाँ की, उस पर यहाँ की लोकल इकॉनमी चलती है। तो आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ ऑल्सो डोंट सब्सक्राइब टू हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन अ फ्यूचर वीडियो। पीस।